हेलो फ्रेंड्स, आज हम शटल से इस तरह की इयररिंग बनाएंगे। इस इयररिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह रिंग बनाना सीखेंगे। रिंग बनाने के बाद हमें इस तरह का फ्लावर बनाना सीखेंगे, फिर बाद में हम ये इयररिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम रिंग बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम शटल लेंगे, लूप बनाएंगे और एक डबल नोट बनाएंगे। शुरू में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल नोट बनाने के बाद हम इसमें एक पिकेट बनाएंगे। पिकेट बनाने के लिए हम थोड़ा सा इस तरह गैप छोड़ते हैं, तो ये हमारी पिकेट बन जाती है। ये हमारी इस तरह पिकेट बन जाएगी। अब हम इधर भी 8 डबल नोट बना लेंगे। ये हमारी 8 डबल नोट बन गई। इसमें हमारे 8 डबल नोट पिकेट, फिर 8 डबल नोट इस तरह। अब हम इसे धागे को खींच लेंगे, ये हमारी रिंग बन जाती है। ये हमारी एक रिंग बन गई। इस तरह हमको 6 रिंग बनानी। अब सेकेंड रिंग बनाने के लिए हम वापस से लूप बनाएंगे और इसके बिल्कुल पास से हम वापस से 8 डबल नोट बनाएंगे। एट डबल नोट बनाने के बाद वापस से हम एक पिकेट बनाएंगे, फिर वापस से 8 डबल नोट बनाएंगे। वापस से हमारी 8 डबल नोट बन गई। वापस से हम सेकंड रिंग बना लेंगे। इस तरह हम इसमें 6 रिंग बना लेंगे। 6 रिंग बनाने के बाद हमारा इस तरह से ये फ्लावर बन जाएगा। तो हम इसमें 6 रिंग बनाते हैं। इस तरह हमने 6 रिंग कंप्लीट कर ली। अब हम धागे को यहाँ से काट लेंगे। दोनों धागों का आपस में गांठ लगा लेते हैं। फिर गांठ लगा लेंगे हम और फिर यहाँ दोनों धागों को आपस में यहाँ से काट देते हैं। एक गांठ और लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद यहाँ से हम दोनों धागों को इस तरह से काट देते हैं। तो हमारा ये फ्लावर बन के तैयार हो जाता है। अब हम वापस से लूप बनाते हैं और वापस से 8 डबल नोट बनाते हैं। एट डबल नोट बनाने के बाद इस लूप में हमको पिकेट नहीं बनानी है। इस लूप को हम अब इस वाले फ्लावर के पिकेट से अटैच करेंगे। इस तरह के फ्लावर के पिकेट से अटैच करने के लिए हम इस तरह के फ्लावर की जो पिकेट है, उस पिकेट में हम क्रोशे को डालेंगे। और इस लूप के धागे को इसमें से निकाल लेंगे।
और अब हम इसमें से अपनी शटल को निकाल लेंगे। शटल को निकाल लेते हैं इस तरह। ये हमारी इस फ्लावर की पिकेट, इस रिंग की पिकेट और ये लूप हमारा आपस में जुड़ जाता है। अब वापस हम एक डबल नोट बना लेंगे। और वापस से हम हमारी रिंग बना लेंगे। अभी हमारी फर्स्ट रिंग आपस में, दोनों फूल फ्लावर की फर्स्ट रिंग आपस में जुड़ जाती है। इसी तरह हम सेकंड रिंग बनाएंगे, उसको सेकंड रिंग से अटैच कर देंगे। शुरू में वो ए डबल नोट बनाते हैं हम। एक डबल नोट बनाने के बाद हम सेकंड रिंग की पिकेट से सेकंड लूप को जोड़ देंगे, जो हमारी सेकंड रिंग में कंप्लीट हो जाती है। वो पिकेट के अंदर हम क्रोशिया डाल के लूप के धागे को इस तरह निकाल के इसमें हम शटल को डाल लेते हैं। हमारी आपस में दोनों रिंग जुड़ जाती है। वापस से हम डबल नोट बना के रिंग बना लेंगे। इसी तरह हम सिक्स रिंग को सिक्स रिंग से अटैच कर लेते हैं। वापस से हम डबल नोट बना लेते हैं। हमने फाइव रिंग तो आपस में अटैच कर लिए, लास्ट रिंग को हम अटैच करेंगे। शुरू में एक डबल नोट बनाएंगे हम। एक डबल नोट बनाएंगे, अब इस रिंग को इसे हम अटैच कर देंगे। वही पिकेट में से लूप को निकाल के शटल को इस लूप में डाल लेते हैं और दोनों रिंग आपस में अटैच हो जाएंगे। वापस से अब डबल एट नोट बना लेते हैं। हम इस रिंग को भी बना लेते हैं। हमारी सभी रिंग आपस में एक दूसरे अटैच हो गई और इस तरह हमारा एक ये गोला सा बन जाता है। अब इस वाले थ्रेड को हम थोड़ा लंबा काटते हैं। दोनों को आपस में गांठ, दोनों धागों को आपस में गांठ लगा देते हैं। इस छोटे वाले धागे को तो हम पास से काट देते हैं और बड़े वाले को हम सुई में डाल लेते हैं। अब हमने धागे को सुई में डाल लिया है। अब हमें ये सफ़ेद रंग का मोती लेते हैं, जो इन दोनों के बीच में इस तरह डाल देते हैं। हमारा मोती के अंदर इन दोनों रिंग के बीच में डल जाता है। अब हम इस
रिंग को इस तरह आपस में थोड़ा सा टाइट कर देते हैं इस तरह नीडल डाल के। एक दूसरे में इस तरह डाल के इनको थोड़ा सा अब हम एक गोल्डन कलर का मोती लेते हैं, उसके बाद हम एक वाइट कलर का मोती लेते हैं, छोटा लेते हैं गोल्डन कलर का वाइट कलर का। इसके बाद हम एक चीड़ लेते हैं जिसे सुगर बीट भी बोलते हैं, इसको इसमें डाल लेते हैं। अब हम एक ईयरिंग हुक लेते हैं, उसके ये नीचे का गोल हिस्सा है वो इसमें डाल लेते हैं। सभी चीज़ें डालने के बाद हम ईयरिंग हुक और चीड़ या सुगर बीट को छोड़ देंगे और वापस से इन दोनों मोतियों में वापस से अपनी सुई को निकाल लेते हैं और धीरे से खींच लेते हैं। और जो हमारा ये इसमें मोती डाला था हमने, उसमें से इस तरह नीडल को निकाल लेते हैं और इसको धीरे से हम खींच लेते हैं। ऊपर के हिस्से को हम इस तरह टाइट कर देते हैं। अब इसी तरह हम नीचे के इन धागों को आपस में थोड़ा थोड़ा टाइट कर देते हैं। इस तरह टाइट होने के बाद हम इसमें अब एक गोल्डन मोती और एक चीड़िया सुगर बीट इसमें डाल देते हैं और वापस से हम इस गोल्डन मोती में से सुगर बीट को छोड़ देंगे और गोल्डन मोती में से वापस नीडल को डाल के हम बीच वाले मोती के अंदर से वापस से नीडल को निकाल लेते हैं। इसको खींच के थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह इसमें नोट लगा देते हैं। धागे को हम यहाँ से काट लेते हैं। इस तरह हमारी इयररिंग बनके तैयार हो जाती है। इस इयररिंग में हम यहाँ पे जहाँ पे हम पिकेट आपस में जोड़ते हैं वहां पे हम ये सुगर बीट भी लगा सकते हैं। अभी हमारी इयररिंग कंप्लीट हो गई है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।